झारखंड सरकार ने बस मालिकों के लिए नया फरमान जारी किया है। अनलॉक 4.0 के दौरान बसों के अंदर जिला परिचालन की मंजूरी राज्य सरकार ने कोविड-19 के शर्तों का पालन करने के एवज में दी है। अब परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोविड-19 के शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया तो बस के ड्राइवर और मालिक पर मुकदमा किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बस ड्राइवरों और मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इस आदेश से बस संचालकों में काफी क्षोभ है। सरकार के अनलॉक 4.0 में छूट दिए जाने के बाद 10,000 बसों में से 3,000 से कुछ अधिक बसों का आवागमन फिलहाल शुरू किया जा सका है। सरकार ने सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार 50% सीटों पर ही यात्रियों को बैठाने का फरमान जारी किया है। इसके अलावा बसों को नियमित तरीके से सैनिटाइज करने, बस के सवारी करने वाले यात्रियों का नाम, पता, ठिकाना, मोबाइल नंबर भी रखना अनिवार्य किया गया है। बसों में यात्रियों के लिए मास्क, फेस शील्ड और सामाजिक दूरी का पालन कराना भी अनिवार्य किया गया है। बसों के संचालकों को भी मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बता दें, बस मालिक पिछले 5 महीने से बसों के परिचालन की मांग कर रहे थे। वहीं सरकारी निर्देशों से उनके लिए एक नई आफत भी सामने आ गई है।